अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे कश्मीरी रोगन जोश, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये ऑथेंटिक रेसिपी है कश्मीरी रोगन जोश की। हमने कुकर में हाफ कप ऑयल लिया है। इसमें 2 मीडियम साइज़ की अनियन स्लाइस करके डाल दी है। अब यहाँ कुछ गरम मसाला लिया है, जिसमें है एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 थ्रेड हैं जावित्री के, 6 से 7 काली मिर्चें हैं, 4 से 5 लौंगे हैं, एक बड़ी इलायची है, 4 अदद हरी इलायची है और 2 अदद बे लीव हैं, यानी कि तेज़पात। ये इसमें शामिल कर देंगे। अब हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हमने यहाँ 250 ग्राम लैम लिया है, आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। ये इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, उस वक्त तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। अदरक इसमें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे सौते कर लेंगे। यहाँ कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हींग, 2 टेबल स्पून सौंफ ली है, इसको पीस लिया है, और 2 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर है। ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए जी, इसे हमने भून लिया है। अब हम इसमें 2 टमाटर की प्यूरी डाल रहे हैं। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे इसके साथ। अच्छी तरह से भून लिया है इसे। देखिए जी, ऑयल अलग हो चुका है। अब हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे जितनी हमें इसमें ग्रेवी चाहिए। तो मैंने इसमें 1 कप के बराबर पानी डाला है। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए, क्योंकि ये शोरबे वाला ही बनता है, बट इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। 1 कप जितना पानी डाल दिया है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे जो है वो 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। आप अगर विदाउट कुकर बनाएं तो इसमें पानी ज़्यादा डालिएगा, ताकि उसमें गोश्त भी गल जाए और फिर आपकी ग्रेवी भी रह जाए। अब इसे कवर करके रख देंगे 20 मिनट तक, जिसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। देखिए जी, ये मज़ेदार सा कश्मीरी रोगन जोश तैयार है। अब इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए जी, मज़ेदार सा कश्मीरी रोगन जोश तैयार है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।